के समीप के फूलचूर टोला राजा सर्विसिंग से ऋषि कॉलोनी रोड की हालत बद से बदतर हो गई है। पिछले 10 सालों से यहां डॉक्टर, व्यापारी, शिक्षक वर्ग के लोग निवासरत हैं। बावजूद इसके इस रोड की अब तक सुधि नहीं ली गई। रोड में नजर आने वाले भारी गड्ढे इस बात का प्रमाण है। साथ ही इसी मार्ग पर मुर्गी पालन भी की जा रही है। ऐसे में बदबूदार गंदगी में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जिससे तंग आकर स्थानीय लोगों ने 100 मीटर का रोड बनाने की मांग विधायक विनोद अग्रवाल तथा अधिकारियों से की है। जो सरपंच और यहाँ की ग्राम पंचायत बॉडी है, ये लोग कोई 5 साल से सरपंचों को गिराने में माहिर है। 3 सरपंचों को गिरा है और इनने कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दिए, और ये उसका नतीजा है कि आज यहाँ पे पूरे यहाँ पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ग्राम पंचायत में जाते हैं, कंप्लेंट करते, लेकिन हो बोल के सिर्फ तात्पुरता थोड़ी सी मुरूम डाल देते, लेकिन 7-8 साल से दुरुस्ती करने को ग्राम पंचायत तैयार नहीं। सिर्फ बोलते हैं कि हम करेंगे, लेकिन अभी ऐसे कि 4 महीने हम बारिश भर इस रोड से जाना आना। कितने साल से रोड का मामला है? 8 साल हो गए अभी। धीरे धीरे 8 साल से ये कर ही नहीं रहे बिल्कुल, सिर्फ बारिश में आते और थोड़ी देर हाँ हाँ बोल के चले जाते, और 4 महीने रोड बंद रहता बिल्कुल। आओ राजा सर्विसिंग से सेंटर से लेके तो कॉलोनी तक के रोड है, ये पूरा गिट्टी का रोड है और इतना फूटा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे हम लोग जा ही नहीं सकते, हमारी फैमिली नहीं जा सकती। करीबन 3 साल पहले छोटा सा रोड बना दिया सिरमेंट रोड, और उसके बाद इन्होंने कुछ ध्यान दिए ही नहीं है। आज तक के 3 बार 4 बार 5 बार वरिष्ठ अधिकारी को भी एप्लीकेशन देके इन्होंने रोड का कुछ भी नहीं किया, ग्राम पंचायत कुछ भी नहीं कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.